नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ नरेश पर। छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संघर्ष सिद्धांतवेत्ता लुईस कोजर के बारे में। छात्रों, लुईस अल्फ्रेड कोजर का जन्म 27 नवंबर 1913 में बर्लिन में हुआ था। कोजर की राजनीति में विशेष रुचि थी। अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कोजर ने अमेरिका के शिकागो और ब्रांडिज विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। वे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर भी रहे। वे अमेरिकी सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 1975 में अध्यक्ष भी रहे। 1960 और 70 का दशक प्रकार्यवाद की तीव्र आलोचना का दशक रहा। इस दशक में पार्सन्स ने अपनी एक महत्वपूर्ण कृति द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट की रचना की। इस कृति में कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया। कोजर की मान्यता है कि संघर्ष के द्वारा ही समाज में एकीकरण और अनुकूलन बना रहता है और सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति संघर्ष के माध्यम से होती है, ऐसा इन्होंने विचार व्यक्त किया। लुईस कोजर की दूसरी कृति है द अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी। कोजर की तीसरी रचना है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ६५ में कोजर ने मेन ऑफ आइडियाज की रचना की। 1967 में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। उसके पश्चात कंटिन्यूस इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1967 में रचना की। कोजर की महत्वपूर्ण कृति द मास्टर ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट की रचना 1970 में हुई। ग्रेडली इंस्टीट्यूट 1974 में लिखे। द यूज ऑफ कंट्रोवर्सी इन सोशियोलॉजी की रचना 1976 में हुई। इनकी अगली कृति रिफ्यूजी स्कॉलर्स इन अमेरिका, इसकी रचना कोजर ने 1984 में किया। रिफ्यूजी स्कॉलर इन अमेरिका, इसकी रचना 1984 में हुई। कन्फ्लिक्ट एंड कंज्यूनेस, इसकी रचना 1984 में की गई। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, इसकी रचना कोजर ने 1992 में की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोजर की कृतियों की एक लंबी चौड़ी सूची है। धन्यवाद छात्रों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।